Hello students, in the previous video we learnt about the sentence. Today we will learn about the parts of sentence. Parts of sentence. Sentence can be divided into two parts, the subject and the predicate. What is subject? The part of a sentence which names the person or thing we are talking about is called the subject. Means sentence का वो part जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है subject. Predicate, the part of the sentence which tells something about the subject is known as the predicate. हम आसान भाषा में समझें तो एक sentence के अंदर जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है subject, और जो बात की जाती है वो होता है प्रेडिकेट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. तो इसके इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है. ऑनलाइन क्लास कौन ले रहा है? स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स हुआ सब्जेक्ट. और क्या बात की जा रही है स्टूडेंट्स के बारे में? कि वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं. दे आर टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस. तो सब्जेक्ट के बाद जो हमारे पास बचता है सेंटेंस का पार्ट उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट. वन अनदर एग्जांपल, टू लिटिल बर्ड्स फ्लू अवे. ठीक है, सब्जेक्ट हुआ इसमें टू लिटिल बर्ड्स. किसके बारे में बात हो रही थी? टू लिटिल बर्ड्स के बारे में. फ्लू अवे, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट. सेम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अशोका के बारे में. तुम्हारा सब्जेक्ट क्या हुआ? अशोका. और क्या बात कर रहे हैं? वो चीज हमारी हो गई प्रेडिकेट. सेम शी हैज अ गुड मेमोरी. अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? शी की सब्जेक्ट, और जो बात की जा रही है वो हुआ हमारा प्रेडिकेट. नेक्स्ट, हियर कम्स द टीचर. अब देखिए, अब आप सोचेंगे सब्जेक्ट सबसे आगे आता है, लेकिन ऐसा नहीं है. हमें सेंटेंस का मीन समझना है. हियर कम्स द टीचर. हियर तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है. किसके बारे में बात हो रही है? टीचर के बारे में. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ द टीचर, और ये हुआ हमारा प्रेडिकेट. अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, गो देयर. अब गो देयर के अंदर सब्जेक्ट तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा. एक्चुअली ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन एटसेट्रा, ये चीज़ें हम देते हैं. इसके अंदर सब्जेक्ट हिडन होता है. तो हम जो भी ऑर्डर या कमांड देंगे वो यू को देंगे, तो इसके अंदर सब्जेक्ट हिडन है. तो हिडन सब्जेक्ट इसके अंदर यू है. क्योंकि जैसे मैं आपसे कहूँ सिट डाउन, तो आपसे कहूँगा यू सिट डाउन, तो यू इसके अंदर सब्जेक्ट हुआ. गो देयर, यू गो देयर. हेल्प मी, यू हेल्प मी. ओके, नेक्स्ट. अब ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट हमारा ये सिर्फ एक या दो तीन वर्ड्स का ही हो. देखिए सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा भी हो सकता है. नेक्स्ट सेंटेंस, द लॉयन ड्रैग्ड अ डियर फ्रॉम द रिवर बैंक. अब देखिए इसमें बात हो रही है लॉयन के बारे में, तो सब्जेक्ट तो इसके अंदर लॉयन हो गया. द लॉयन, इसके बारे में जो बात की जा रही है वो पूरा प्रेडिकेट. लॉइन ड्रैग द डियर फ्रॉम द रिवर बैंक, दिस इज द सब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल विद द लॉन्ग ब्लैक हेयर लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. अब इसमें बात द गर्ल के बारे में तो हो रही है, लेकिन गर्ल के बारे में कुछ और भी बताया जा रहा है. द गर्ल विद द लॉन्ग ब्लैक हेयर Lives in front of my house. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस गर्ल के बारे में जिसके लॉन्ग ब्लैक हेयर हैं. तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या बनेगा?
द गर्ल विद द लॉन्ग ब्लैक हेयर, इट विल बी द सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग विल बी द प्रेडिकेट। आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि किस सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं और प्रेडिकेट हम किसको बोलते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे अच्छी अच्छी राइटिंग में और उसे मुझे सेंड करेंगे पूरा होमवर्क करने के बाद। ये 10 सेंटेंसेस हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड मार्क एस अंडर इट। सब्जेक्ट के लिए आपको एस मार्क करना है एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट एंड मार्क पी फॉर इट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये 10 सेंटेंसेस हैं। इन सब के अंदर आपको अंडरलाइन करके बताना है कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। ओके, डू योर वर्क एंड स्टडी वेल। थैंक यू। बाय बाय।